हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीकेडी स्टडी नंबर 1 में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना था नेटवर्किंग डिवाइस, दोस्तों आज के वीडियो में भी हम नेटवर्किंग डिवाइस को कवर करेंगे। दोस्तों बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, दोस्तों कोई भी डाउट आपका नहीं रहने वाला। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो से पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो से पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, तब ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जाना था नेटवर्किंग डिवाइस कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं, हब डिवाइस और ब्रिज डिवाइस, रिपीटर डिवाइस, इन सब के बारे में पिछले वीडियो में हम डिस्कस बहुत ही अच्छे से कर चुके हैं। दोस्तों अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो के पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। दोस्तों आज के वीडियो हम जानेंगे स्विच डिवाइस, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्विच डिवाइस। दोस्तों हब डिवाइस, रिपीटर डिवाइस और ब्रिज डिवाइस, इन सब के बारे में हम पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज हम जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है स्विच डिवाइस। तो दोस्तों पहले थोड़ा सा इसकी मैंने सिंपल सी परिभाषा, इनकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिखी है, ये समझ लेते हैं, फिर प्रैक्टिकली समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। दोस्तों बहुत ही अच्छे से देखना वीडियो को। स्विच डिवाइस इज ए नेटवर्किंग डिवाइस, सही बात है दोस्तों। स्विच डिवाइस क्या है? एक नेटवर्किंग डिवाइस है डेट कनेक्ट नोड्स ऑन ए स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी। दोस्तों स्टार नेटवर्क में इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि हम नेटवर्क को का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम टोपोलॉजी बोलते हैं, तो स्टार टोपोलॉजी में स्विच डिवाइस का ज़्यादातर यूज होता है दोस्तों। तो दोस्तों स्विच डिवाइस वर्क एज सेंट्रल कंट्रोल डिवाइस या कैन बी होस्ट। दोस्तों स्विच डिवाइस जो करता है वो सेंट्रल कंट्रोल डिवाइस के रूप में वर्क करता है, जिसको हम होस्ट भी बोल सकते हैं, जिसके द्वारा सभी कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। दोस्तों कुछ इस तरह से स्विच डिवाइस वर्क करता है, दोस्तों सभी कंप्यूटर इससे कनेक्टेड होते हैं, तो इसलिए हम इसको होस्ट भी बोलते हैं दोस्तों। स्विच डिवाइस को यो स्विच है दोस्तों, इस तरह से स्विच से सभी कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। इट इज इंटेलिजेंट नेटवर्किंग डिवाइस। दोस्तों ये क्या है? स्विच डिवाइस इंटेलिजेंट डिवाइस है, जो कि हम अभी प्रैक्टिकली अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों स्विच डिवाइस नोट्स हैज ए स्मॉल मेमोरी। दोस्तों स्विच डिवाइस क्या है? अपने में एक छोटी सी मेमोरी है, जो कि सभी जो इससे नोट्स कनेक्टेड होते हैं उनका एड्रेस स्टोर रखता है दोस्तों। और हब डिवाइस, ब्रिज डिवाइस या फिर रिपीटर डिवाइस में क्या था? इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं थे ये, अब इनका अपना कोई दिमाग नहीं था, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया कि वो किसी का भी एड्रेस स्टोर नहीं कर सकते थे। तो ऐसे में क्या है? स्विच डिवाइस इंटेलिजेंट डिवाइस है। तो अब हम इसे अच्छे से समझेंगे प्रैक्टिकली, कुछ मैंने पॉइंट लिखे। दोस्तों आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हो वीडियो को रोक के। तो दोस्तों अब हम थोड़ा सा हमने इसकी थोड़ी सी परिभाषा लिखी थी, अब हम प्रैक्टिकली जान लेते हैं स्विच डिवाइस काम कैसे करता है। स्विच, तो दोस्तों स्विच डिवाइस कुछ इस तरह से वर्क करता है। मान लीजिए यहाँ पर स्विच लगा है, स्विच डिवाइस है ये, और इससे कुछ कंप्यूटर आपने कनेक्टेड किए हुए हैं। इस तरह से आपने कुछ कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया हुआ है दोस्तों स्विच डिवाइस के द्वारा। आपने यहाँ पर स्विच डिवाइस का यूज करके इस तरह से हमने कुछ कंप्यूटर को कनेक्ट किया इस तरह से। तो दोस्तों स्विच डिवाइस क्या है? एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। दोस्तों स्विच डिवाइस क्या करेगा? फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करेगा, फिर दोस्तों यूनिकास्ट या फिर मल्टीकास्ट करेगा। दोस्तों देख लेते हैं कैसे। मान लीजिए ये कंप्यूटर है, ये बी कंप्यूटर है, ये सी, ये डी, ये ई, एफ, जी, एच। तो दोस्तों इस तरह से हमने स्विच डिवाइस का यूज करके कुछ कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया है। तो दोस्तों ये क्या है? इंटेलिजेंट डिवाइस है। दोस्तों अगर मान लीजिए हमारा बिल्कुल सिस्टम नया है, स्विच और कंप्यूटर सभी नए, कंप्यूटर और नया ही स्विच हमने मार्केट से लाकर लगाया, तो ऐसे में क्या होगा? क्या स्विच डिवाइस यूनिकास्ट करेगा या फिर ब्रॉडकास्ट करेगा फिर मल्टीकास्ट करेगा? तो दोस्तों ऐसे में स्विच डिवाइस फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम यूनिकास्ट या फिर मल्टीकास्ट करता है। तो देख लीजिए इस तरह से, मान लीजिए ए कंप्यूटर ने कहा कि भाई मुझे एच कंप्यूटर से
बात करनी है इनकी, एच कंप्यूटर को मुझे हेलो सेंड करना। हेलो, तो वैसे तो स्विच डिवाइस में अधिकतर ये होता है कि स्विच डिवाइस इंटेलिजेंट डिवाइस है, जैसे ही हम इससे कंप्यूटर को कनेक्ट करते तो वो अपने आप ही एक मैसेज सेंड करता है, उसको पता चल जाता कि मेरे किस पोर्ट पे कौन सा कंप्यूटर लगा होता। लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं दोस्तों, ऐसा ज़्यादातर नहीं होता, अधिकतर ये होता कि फर्स्ट टाइम स्विच ब्रॉडकास्ट करता है दोस्तों। दोस्तों स्विच में जनरली 6, 8, 24, 32 या फिर 48 पोर्ट तक के स्विच मार्केट में अवेलेबल है। तो दोस्तों ये क्या है, इसके पोर्ट हैं, ये पोर्ट 1, ये पोर्ट नंबर 2, ये पोर्ट नंबर 3, ये पोर्ट नंबर 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से पोर्ट होते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होती है, कैम टेबल होती है इसकी, स्विच जिसको हम स्विच टेबल भी बोल सकते हैं दोस्तों। उसमें क्या करता, इनके एड्रेस स्टोर करता जाता, जैसे इसको एड्रेस मिलते जाते। तो मान लीजिए एक समय ए कंप्यूटर ने कहा कि मुझे एच कंप्यूटर से बात करनी है, तो ये कहेगा कि भाई ए कंप्यूटर तो मेरे पोर्ट नंबर ए से है, क्योंकि मैसेज आया कि मुझे एच कंप्यूटर से बात करनी है। तो ऐसे में क्या करेगा ये, इसको नहीं पता कि एच कंप्यूटर कहाँ पर है, तो ऐसे में ये क्या करेगा दोस्तों, सभी को ब्रॉडकास्ट कर देगा। और इधर से जब रिप्लाई में आएगा कि भाई मैं एच कंप्यूटर पोर्ट नंबर 8 पर हूँ, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर उसकी कैम टेबल होती, उस कैम टेबल में एड्रेस को स्टोर कर लेगा, पोर्ट नंबर कैम टेबल। दोस्तों इस तरह से पोर्ट नंबर है, इस तरह से। तो स्विच डिवाइस क्या करेगा, इसको अपनी टेबल में मेंटेन कर लेगा दोस्तों। मान लीजिए ए कंप्यूटर ने कहा कि ए नंबर एक पे मेरा, यानी कि नंबर एक पोर्ट पे ए कंप्यूटर है, और इसने किससे बात करी थी, एच कंप्यूटर से। तो इसने क्या करा, सबको ही ब्रॉडकास्ट किया था, तो ये एच का भी एड्रेस स्टोर कर लेगा कि पोर्ट नंबर 8 पे मेरा एच कंप्यूटर है। तो मान लीजिए अगली बार बी कंप्यूटर ने ई कंप्यूटर से बात करनी है, तो ऐसे में क्या होगा, क्योंकि बी कंप्यूटर का भी एड्रेस अभी इसकी टेबल में नहीं है दोस्तों, तो ई कंप्यूटर का भी एड्रेस नहीं है, तो ऐसे में ये फर्स्ट सभी को ब्रॉडकास्ट कर देगा, और इसको पता चलेगा कि बी कंप्यूटर मेरे पोर्ट नंबर 2 पे पड़ा हुआ है और ई कंप्यूटर पोर्ट नंबर 5 पे है। तो इस तरह से, तो दोस्तों जैसे जैसे इस तरह से ये जिस जिसका एड्रेस आता जाता, उस तरह से इसी तरह से इसे फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता, फिर यूनिकास्ट या फिर मल्टीकास्ट करता। मान लीजिए इसी, अब बी कंप्यूटर एच कंप्यूटर से बात करना चाहता है, बी का एड्रेस भी इसके पास है कि हाँ भाई मेरे पोर्ट नंबर 2 पर पड़ा, एच का भी पता कि पोर्ट नंबर 8 पर। तो ऐसे में क्या, एक यूनिकास्ट करेगा, मल्टीकास्ट करेगा या फिर ब्रॉडकास्ट करेगा। तो दोस्तों ऐसे में ये सिर्फ और सिर्फ यूनिकास्ट करेगा, ना कि ब्रॉडकास्ट, ये सिर्फ इन दोनों के ही बीच बात कराएगा, इन बाकी को डाटा को सेंड नहीं करेगा, क्योंकि बी का भी एड्रेस इसकी टेबल में मेंटेन है और एच का भी एड्रेस इसके पास है। तो इस तरह से, अब मान लीजिए डी कंप्यूटर ने जी कंप्यूटर से बात करनी, तो ऐसे में ये ब्रॉडकास्ट करेगा, क्योंकि डी कंप्यूटर पोर्ट नंबर 4 पे है, पोर्ट नंबर 4 पे है, और जी कंप्यूटर पोर्ट नंबर 7 पे है। अगली बार जब नेक्स्ट टाइम ये बात करेंगे, तो इसे ये अपनी टेबल में जाएगा और चेक करेगा क्या मेरी टेबल में है तो ठीक है, इन दोनों को ही बात करा देगा। तो दोस्तों इस तरह से जिस जिसका एड्रेस इसके पास आता जाता है, मान लीजिए एक बार को इसकी टेबल में सभी सिस्टम आ गए, अब ये सिर्फ और सिर्फ मल्टीकास्ट करेगा, ना कि ब्रॉडकास्ट करेगा या फिर यूनिकास्ट या फिर मल्टीकास्ट करेगा, ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। जिस अगर मान लीजिए ए कंप्यूटर ने एच कंप्यूटर से बात करनी है, तो ए कंप्यूटर और एच कंप्यूटर भी इसकी मेमोरी में स्टोर है दोस्तों, जो कि इसकी छोटी सी मेमोरी, स्मॉल मेमोरी होती है स्विच डिवाइस में, जो कि हमने बताया था दोस्तों। इसमें क्या है, ये पोर्ट नंबर है, पोर्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से दोस्तों 8, 16, 32 या फिर 48 पोर्ट तक के मार्केट में अवेलेबल है दोस्तों। ये पोर्ट क्या, जिसको हम अपने कंप्यूटर को से कनेक्ट करते, RJ45 कनेक्टर लगे होते हैं इसमें बाहर के साइड, इस तरह से इस कुछ इस तरह से लगे होते हैं, जिसमें कि हम अपना सिस्टम को जो पिलेगा उसको कनेक्ट करते हैं दोस्तों। इस तरह से इसमें एक अब इसकी टेबल मेंटेन होती है दोस्तों। ये कुछ मैंने पॉइंट लिखे हैं, इनको समझ लेते हैं। लेयर 2 डिवाइस, ठीक बात है, लेयर 2 ऑफ द OSI मॉडल, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जितने भी डिवाइस है OSI मॉडल पर वर्क करते हैं, और उस बहुत ही अच्छे से समझाया भी था
किस लेयर पे कौन सा डिवाइस वर्क करता, तो ये सेकंड लेयर पे वर्क करता डाटा लिंक लेयर। फुल डुप्लेक्स, ठीक बात है। फुल डुप्लेक्स से मतलब दोस्तों मान लीजिए एक समय में दो कंप्यूटर हैं, यो मान लीजिए ए कंप्यूटर है, ये बी कंप्यूटर है। ए कंप्यूटर ने बी से कुछ कहा, हेलो मैसेज सेंड किया, क्या इसी समय बी कंप्यूटर भी इसको हाई रिप्लाई यानी कि रिप्लाई कर सकता है? दोस्तों बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि इसमें आने जाने के काफ़ी सारे यानी कि मल्टीपल कोलिजन डोमेन। मान लीजिए ए कंप्यूटर ने अगर बी एच कंप्यूटर से बात करें तो वो यहाँ से कर सकता है, इसी समय बी कंप्यूटर ने ए कंप्यूटर से तो उसका अलग रास्ता होगा, डी कंप्यूटर एफ कंप्यूटर से करेगा तो उसका अलग रास्ता होगा, यानी कि इसमें मल्टीपल कोलिजन डोमेन, जो कि हम अभी कोलिजन डोमेन के बारे में पीछे भी बहुत अच्छे से बताया और अभी भी जानेंगे। दोस्तों हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स का मतलब है कि मान लीजिए ए कंप्यूटर ने बी कंप्यूटर को कुछ मैसेज सेंड किया, तो क्या ये रिप्लाई में इसी समय ये भी ए कंप्यूटर को मैसेज कर सकता है? दोस्तों बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोलिजन डोमेन काफ़ी सारा है, मतलब कि मल्टीपल कोलिजन डोमेन है। तो ये था कि हाफ डुप्लेक्स या फिर फुल डुप्लेक्स। दोस्तों हम उदाहरण के थ्रू मान लेते हैं टेलीफोन लाइन। दोस्तों टेलीफोन लाइन पे क्या है, फुल डुप्लेक्स है। मान लीजिए दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इस वाले व्यक्ति ने इससे कुछ कहा तो वो रिप्लाई में हैंड टू हैंड उसको कुछ कह सकता है। दोस्तों ऐसा होता भी है टेलीफोन लाइन पर कि दोनों एक साथ बोलते हैं तब भी बात होती है, लेकिन बस ये थोड़ा सा ये है कि बात समझ में नहीं आती, लेकिन कनेक्टिविटी फिर भी बराबर रहती है। तो हमने जाना था कि फुल डुप्लेक्स यानी कि फुल डुप्लेक्स करता है, हाफ डिवाइस क्या कर दिया था दोस्त करता था दोस्तों मतलब कि हाफ डिवाइस हाफ डुप्लेक्स कर दिया था, और ये जो स्विच डिवाइस फुल डुप्लेक्स। दोस्तों मेंटेन कैम टेबल, जैसे हमने बताया कैम टेबल मेंटेन होती है इसकी मेमोरी में, ये उसमें सभी के एड्रेस स्टोर करता रहता जिसका एड्रेस आता जाता। दोस्तों फिर क्या करता, फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट देन यूनिकास्ट या फिर मल्टीकास्ट। दोस्तों फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता, जैसे ही मान लीजिए नया सिस्टम है तो अब मान लीजिए यहाँ से हमारा कोई सिस्टम हटाया हमने और यहाँ पर हमने कोई दूसरा सिस्टम ला कर लगाया, तो ये क्या इसका जब एड्रेस चेक करेगा तो क्या सभी को ब्रॉडकास्ट करेगा? दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पर सिस्टम को कनेक्ट करेंगे ये रिप्लाई में हाई भेजेगा और ये चेक करेगा कि मेरे किस पोर्ट पर कौन सा सिस्टम आया है। तो ये मतलब दोस्तों इसका आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस बोलते हैं जिसको, आईपी एड्रेस, तो ये क्या करता उस आईपी एड्रेस को अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेता, जिससे कि ये डाटा को चेक करके सेंड करता आ गए आउट गोइंग द लिंक, चेक द एड्रेस आउट गोइंग द लिंक, यानी कि जहाँ से डाटा आया है और जहाँ पर जाना है उसका एड्रेस चेक करता है। एवरी पोर्ट ऑफ स्विच इज सेपरेट कोलिजन डोमेन, यानी कि हर एक पोर्ट के लिए अलग कोलिजन डोमेन है। कोलिजन डोमेन से मतलब दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर कोई कमरा है, इस कमरे में 10, 20, 30 बंदे बैठे हुए हैं। अब मान लीजिए एक कोलिजन डोमेन यहाँ से है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। अब हम कहेंगे कि भाई जल्दी से कमरे से बाहर जाइए, तो ऐसे में क्या होगा, दो बंदे यहाँ से निकलेंगे, चार बंदे यहाँ से, छः यहाँ से, आठ यहाँ से, दो यहाँ से, तो एकदम जल्दी से ही कमरा खाली हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ क्या है, हर एक पोर्ट के लिए हर एक अलग रास्ता है, हर एक कंप्यूटर किसी भी रास्ते से किसी भी माध्यम से बात कर सकता है। ऐसे में ए कंप्यूटर अगर बी कंप्यूटर से बात कर रहा है तो ऐसे में सी कंप्यूटर ई कंप्यूटर से कुछ भी रिप्लाई में बात कर सकता है। दोस्तों ऐसा इसमें क्या है, सेपरेट हर एक पोर्ट के लिए अलग रास्ता होगा। तो दोस्तों अभी हमने बताया था कि मार्केट में जो स्विच है 6 पोर्ट, 8 पोर्ट, 24 पोर्ट या 32 पोर्ट या फिर 48 पोर्ट तक के स्विच अवेलेबल है मार्केट में। तो दोस्तों अगर इसकी स्पीड की बात करी जाए तो दोस्तों अगर हमने इसमें वायर का यूज किया है यानी कि केबल का, तो इसकी स्पीड 100 Mbps के अबव होगी, लेकिन अगर दोस्तों हमने इसे वायरलेस के थ्रू नेटवर्किंग की है तो इसकी स्पीड 10 Mbps के अबव होगी। तो दोस्तों ये क्या करता, चेक द एड्रेस आउट गोइंग द लिंक, यानी कि कहाँ से डाटा आया है और कहाँ पर डाटा जाना है, उसका क्या करता है आईपी एड्रेस चेक करता है, जिसको हम मैक एड्रेस बोलते हैं, जो कि हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे अगली क्लासों में, जब हम आईपी टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों अभी हमने स्विच डिवाइस के बारे में जाना, अब हम जान लेते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी से रिलेटिव, राउटर डिवाइस। और राउटर डिवाइस से अगला
गेटवे डिवाइस, इन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे दोस्तों इसी वीडियो में। वीडियो को पूरा देखना, और हो सका समय रहा तो मोडम डिवाइस और एनआईसी कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इनके बारे में भी बता दूंगा दोस्तों। वैसे तो हम मोडम डिवाइस और एनआईसी कार्ड के बारे में इंटरनेट वाले टॉपिक में बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम दोबारा बता देंगे अगर समय रहा तो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि हमारा राउटर डिवाइस। तो दोस्तों अभी हमने स्विच डिवाइस के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था, अब हम जान लेते हैं राउटर डिवाइस, राउटर डिवाइस क्या है। तो दोस्तों चलिए राउटर डिवाइस के बारे में अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों पहले बता दो दोस्तों, जब हम अभी हद तक हमने क्या पढ़ा दोस्तों पीछे, नेटवर्किंग डिवाइस, लेकिन राउटर डिवाइस क्या है? इंटरनेटवर्किंग डिवाइस दोस्तों। ये नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है, इंटरनेटवर्किंग डिवाइस जैसा समझ लीजिए। मान लीजिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक ही सिटी में, एक ही कंपनी में दो अलग अलग नेटवर्क्स को अगर हमें कनेक्ट करना, तो हम यानी कि स्विच डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं, ब्रिज डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ऐसे ही नेटवर्क को, एक नेटवर्क यानी कि कई अलग अलग नेटवर्क्स को, यानी कि एक एक इस यानी कि अलग अलग देशों के या फिर अलग अलग शहरों के नेटवर्क को अगर कनेक्ट करना होगा, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, राउटर डिवाइस का यूज़ करेंगे, जो कि इंटरनेटवर्किंग डिवाइस है दोस्तों, ना कि नेटवर्किंग डिवाइस। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है और आता रहता है, लेकिन राउटर डिवाइस क्या है? इंटरनेटवर्किंग डिवाइस, दो अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए हम राउटर डिवाइस का यूज़ करते हैं दोस्तों। तो चलिए अब थोड़े से है ना इसकी सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है, इसको समझ लेते हैं फिर अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मैं जो ये थोड़ी छोटी छोटी सी डेफिनेशन लिखता हूँ, आप चाहे तो इनको नोट भी कर सकते हो दोस्तों, एग्ज़ाम में बहुत ही आसानी से इनको लिख सकते हो दोस्तों, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं लिखता हूँ दोस्तों, समझ लेते हैं। राउटर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर इंटरनेटवर्किंग डिवाइस, जैसे कि हमने बताया राउटर क्या है, इंटरनेटवर्किंग डिवाइस, ना कि नेटवर्किंग डिवाइस। राउटर इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि दो अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, राउटर डिवाइस का यूज़ करते हैं। जैसे कि एक हमारा लैन नेटवर्क है और एक मैन नेटवर्क है या फिर वैन नेटवर्क है, तो इनको हम कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, राउटर डिवाइस का यूज़ करते हैं दोस्तों। जैसे कि हम अभी समझेंगे, TCP/IP प्रोटोकॉल वर्क एज राउटर डिवाइस, राउटर डिवाइस पर TCP/IP प्रोटोकॉल भी वर्क करते, जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से भी हम इनको जानते, बिना इनके इंटरनेट को चलाना संभव नहीं है दोस्तों। सुपेरियर देन ब्रिज डिवाइस, दोस्तों ये कुछ ब्रिज डिवाइस की तरह है, लेकिन ब्रिज डिवाइस से बेहतर है, क्वालिटी का भी बढ़िया है। तो अभी हमने इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन थी जो समझा, अब हम जान लेते हैं कि आखिर कनेक्ट कैसे करते हैं राउटर डिवाइस को। तो चलिए राउटर डिवाइस के बारे में अच्छे से जान लेते हैं कि राउटर डिवाइस में कंप्यूटर्स को किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, इनकी नेटवर्क्स को। मान लीजिए दोस्तों आपका एक नेटवर्क यहाँ पर है, एक नेटवर्क यहाँ पर है स्विच, इसके थ्रू आपने काफ़ी सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया हुआ है दोस्तों, स्विच डिवाइस के थ्रू। इस तरह से हम स्विच डिवाइस है, आपने स्विच डिवाइस से कुछ कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों स्विच डिवाइस है, स्विच डिवाइस। अब इस स्विच डिवाइस को हमने राउटर डिवाइस से कनेक्ट किया है, राउटर, और एक हमारा नेटवर्क और है जो कि हमने दूसरी साइड, जो भी जो कि हमने जिसमें हमने स्विच डिवाइस का इस्तेमाल किया है और राउटर से कनेक्ट किया है, इसमें भी काफ़ी सारे कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं। इस तरह से कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया गया है दोस्तों इधर भी। तो दोस्तों ये क्या है, एक डिफरेंट नेटवर्क है, यानी कि एक अलग नेटवर्क है, एक ये एक अलग नेटवर्क है दोस्तों, इनका आईपी एड्रेस भी डिफरेंट होगा। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, राउटर डिवाइस का यूज़ करेंगे दोस्तों। मान लीजिए इसका आईपी एड्रेस है 196.0.0.1 और इधर है 10.0.0.0। तो दोस्तों ये क्या है, एक अलग आईपी एड्रेस है दोनों ही साइट, तो इसका अगर आप आईपी एड्रेस निकालोगे तो इसका कुछ इस तरह से आईपी एड्रेस निकल कर आएगा, जो कि 196.0.0.0 और इसका अगर 10.0.0.0। तो ये क्या है दोस्तों, डिफरेंट आईडी है इन दोनों की, अलग अलग नेटवर्क आईडी है। तो इस ऐसे में हम क्या करेंगे, राउटर डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। तो राउटर डिवाइस जैसे कि मार्केट में
अगर इसकी पोर्ट, तो दोस्तों इसकी 2, 4 या फिर 8 पोर्ट तक के राउटर मार्केट में अवेलेबल हैं। मान लीजिए आपने 2 कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया, एक पोर्ट यहाँ पर है, एक पोर्ट यहाँ पर, इस राउटर से आप एक कंप्यूटर, एक नेटवर्क सॉरी यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो और एक नेटवर्क यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। और भी 8 पोर्ट तक के राउटर हैं, लेकिन फिलहाल हमने 2 ही नेटवर्क्स को कनेक्ट करके बताया है, जैसे कि काफ़ी अच्छे से समझ में आए दोस्तों। अब आपकी अगर इनकी नेटवर्क आईडी निकालो तो इनकी भी नेटवर्क आईडी अलग होगी। मान लीजिए इसकी नेटवर्क आईडी है 10.0.0.1, इसके 10.0.0.2, इसके 10.0.0.3, इसके 10.0.0.4। तो दोस्तों अगर आप इन तीनों की जो भी ये इधर की साइट नेटवर्क कनेक्टेड है, अगर आप इनकी नेटवर्क आईडी निकालो तो बिल्कुल यही आएगी दोस्तों, जो कि हम अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इस वीडियो के बाद जब हम आएंगे तो TCP/IP के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, तब हम ये एड्रेसिंग बताएंगे कि एड्रेसिंग किस प्रकार से करते हैं कंप्यूटर की। तो दोस्तों इसकी जो नेटवर्क आईडी निकल कर आएगी कुछ इस तरह से आएगी, और इधर भी जो सभी कंप्यूटर कनेक्ट है इनकी भी नेटवर्क आईडी सेम ही निकल कर आएगी। लेकिन हाँ दोस्तों, इसकी एक अलग नेटवर्क आईडी है और इसकी एक अलग नेटवर्क आईडी है, तो ऐसे में क्या करेंगे, हम राउटर डिवाइस का यूज़ करेंगे, यानी कि राउटर कैन कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क, दो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए राउटर डिवाइस का यूज़ करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों राउटर में क्या होता, एक इसकी एक टेबल होती जिसको हम राउटर टेबल बोलते हैं, राउटर टेबल दोस्तों। उसमें क्या करता है, सभी के एड्रेस स्टोर रखता है, पोर्ट नंबर 1 और 2। जैसे कि दो ही नेटवर्क को हमने कनेक्ट किया, एक इधर साइड और एक इधर साइड, इस वाले यानी कि एक जो ये फर्स्ट पोर्ट है, ये सेकंड पोर्ट है, इसकी जो नेटवर्क आईडी है दोस्तों ये कुछ इस तरह से 10.0.0.1 और सेकंड क्या है 196.0.0.1, इस तरह से नेटवर्क आईडी है, तो ये दोनों की नेटवर्क आईडी स्टोर रखता है दोस्तों। अब राउटर डिवाइस वर्क कैसे करता है समझ लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए ये कंप्यूटर है, ये बी कंप्यूटर है, ये सी कंप्यूटर है, ये डी कंप्यूटर है, इस तरह से ये ए कंप्यूटर है, ये बी कंप्यूटर, ये सी डी एफ, इस तरह से कंप्यूटर कनेक्टेड है। यहाँ पर हमने स्विच डिवाइस से कनेक्ट किए इन कंप्यूटर को, स्विच डिवाइस को हमने राउटर डिवाइस से कनेक्ट किया हुआ। जनरली तो स्विच डिवाइस से को ही राउटर डिवाइस से कनेक्ट करते हैं, तो स्विच डिवाइस, तो अब ये क्या करेगा राउटर डिवाइस मान लीजिए इस इधर से कोई डाटा आया है स्विच डिवाइस के पास से, ए कंप्यूटर ने से को यहाँ पर डी कंप्यूटर से बात करनी है, तो स्विच डिवाइस पे एड्रेस आएगा, स्विच डिवाइस जैसे कि हमने अभी पीछे बताया, तो यहाँ तक की जो प्रोसेस है वो है स्विच डिवाइस की जिम्मेदारी के डाटा किसके पास जाना और किसके पास तक जाना। स्विच डिवाइस एड्रेस, ये ए कंप्यूटर एड्रेस चेक करेगा, एड्रेस सेंड करेगा कि मुझे डी कंप्यूटर से यहाँ पर दूसरे जो नेटवर्क है सेकंड नेटवर्क उसमें डी कंप्यूटर से बात करनी है, तो स्विच डिवाइस एड्रेस चेक करेगा और राउटर को दे देगा। राउटर क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसी डाटा को, यानी कि रास्ता बताने का, राउटर का मीन्स है दोस्तों रूट मीन्स रास्ता, यानी कि रास्ता बताना दोस्तों आपका डाटा किस रास्ते से जाना है। जैसे कि कभी कभी एग्जाम्पल के थ्रू मैं तो बता दूँ, कभी कभी आप देखते होंगे कि गूगल मैप से आप ढूंढते हो कि हमें अगर कहीं जाना है तो शॉर्ट कौन सा रास्ता होगा, कभी कभी गूगल बताता है कि ये यहाँ पर बेहतर नहीं है, इधर बेहतर होगा, यहाँ पर जाम लगा हुआ है, कभी कभी गूगल के चक्कर में ऐसे रास्ते पर चले जाते हैं कि गड्ढे ही गड्ढे होते हैं वहाँ पर। तो इस तरह से राउटर डिवाइस वर्क करता है, रास्ता बताता कि आपका जो पैकेट है दोस्तों, इसमें जो होता है ना राउटर डिवाइस पे पैकेट की फॉर्म में डाटा ट्रेवल होता है छोटे छोटे, जैसे कि हमने बताया था सबसे पहले डाटा बिट सिंबल्स, फिर फॉर्म, फिर पैकेट, यानी कि छोटे छोटे पैकेट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ब्लॉक बन जाते हैं उसके। तो राउटर डिवाइस पैकेट पे वर्क करता और उन पैकेट्स को आगे फॉरवर्ड कर देता, यानी कि और ये क्या करता, रूट डिसाइड करता कि किस रास्ते से जाना बेहतर होगा। अब मान लीजिए एक इधर से डाटा आया और ये इधर सेंड कर देगा इस वाली स्विच के, अब ये स्विच की जिम्मेदारी बनती है कि वो एड्रेस चेक करेगा और पार्टिकुलर उसी के पास भेजेगा जिसके पास के लिए डाटा आया होगा। जैसे कि हमने अभी स्विच डिवाइस के बारे में ही पीछे डिस्कस किया था, मान लीजिए ये क्या करता, इसके पास भी एक छोटी सी स्मॉल मेमोरी होती है जिसमें ये इन सभी के एड्रेस स्टोर रखता है, जिसको हम आईपी एड्रेस बोलते हैं, यानी कि मैक एड्रेस। तो राउटर डिवाइस इस तरह से वर्क करता है दोस्तों। अब मान लीजिए बी कंप्यूटर ने अगर यहाँ पर सी कंप्यूटर से बात करनी, तो ये स्विच के पास डाटा सेंड करेगा, स्विच डिवाइस
आगे सेंड करेगा राउटर के पास, राउटर रास्ता बताएगा कि इनकी किस रास्ते से आपके पैकेट जाने हैं किससे। तो ये इधर से डाटा आया तो ये इधर फॉरवर्ड यानी कि आगे सेंड कर देगा स्विच डिवाइस। अब स्विच डिवाइस की जिम्मेदारी है कि ये एड्रेस चेक करेगा और चेक करेगा अपनी टेबल में कि किस कंप्यूटर के लिए एड्रेस वहाँ से आया, उसी को चेक करेगा। अगर मान लीजिए इधर से कोई कंप्यूटर डाटा भेजता है एफ कंप्यूटर के लिए, तो सेम वही प्रोसेस होगी, स्विच के पास डाटा जाएगा, स्विच एड्रेस चेक करेगा, राउटर के पास भेजेगा, राउटर रूट डिसाइड करता है दोस्तों यानी कि किस रास्ते से आपका पैकेट जाना है। तो सेम यही प्रोसेस थी राउटर की, बहुत ही छोटा दोस्तों। ये क्या है, इंटरनेट वर्किंग डिवाइस है ना कि नेटवर्किंग डिवाइस। इसका हम यूज़ किस लिए करते हैं दोस्तों, अलग अलग नेटवर्क के, यानी कि एक लैन नेटवर्क है और एक वैन नेटवर्क है या फिर मैन नेटवर्क है। इन नेटवर्क्स को जब हम आपस में कनेक्ट करते तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, राउटर डिवाइस का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों राउटर डिवाइस से नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गेटवे डिवाइस। दोस्तों गेटवे डिवाइस ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। सेम यही प्रोसेस होती है गेटवे की भी, कि गेटवे डिवाइस भी, गेटवे का मीन्स है दोस्तों रास्ता बताता राउटर डिवाइस के, लेकिन राउटर से क्वालिटी अच्छी होती है, हायर क्वालिटी देन द राउटर। और दोस्तों भी वर्क पहले दोस्तों इसके थोड़े से पॉइंट है तो समझ लेते हैं राउटर डिवाइस के। राउटर डिवाइस लेयरिंग की थर्ड और फोर्थ लेयर पर वर्क करता, वैसा ही मॉडल के इनकी नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर पर वर्क करता। वैन और लैन डिवाइस यानी कि दो अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, राउटर डिवाइस का यूज़ करते हैं। एक वैन नेटवर्क है, एक लैन नेटवर्क है, इन दोनों को कनेक्ट करना तो हम राउटर डिवाइस का यूज़ करेंगे। मेंटेन राउटर टेबल, दोस्तों जैसे कि हमने बताया राउटर टेबल मेंटेन होती है इसके पास, और ये इस दो ही अभी इसके पास दोस्तों दो पोर्ट लगे हुए हैं, एक पोर्ट यहाँ पर है और एक पोर्ट इधर है। एक पोर्ट का आईपी एड्रेस ये है और एक पोर्ट का आईपी एड्रेस ये है, तो इस तरह से ये अपनी टेबल में उसका एड्रेस को मेंटेन करता है, इनकी स्टोर रखता। कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क इंटरनेटवर्किंग डिवाइस, इनकी दो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करता है, इसलिए इसको इंटरनेटवर्किंग डिवाइस बोला जाता। उसकी भी अगर पोर्ट की बात करी जाए कि कितनी पोर्ट होती, 2, 4, 6 या फिर 8 पोर्ट तक के राउटर मार्केट में अवेलेबल हैं दोस्तों। अगर स्पीड की बात करी जाए तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी स्पीड देता, 10 Mbps, 100 Mbps से 1 Gbps तक की स्पीड राउटर डिवाइस देता दोस्तों। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आर डिफरेंट राउटर कैन कनेक्ट, यानी कि राउटर को तब भी कनेक्ट किया जा सकता है जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग अलग हो। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था, जैसे कि हब डिवाइस है, स्विच डिवाइस है या फिर ब्रिज डिवाइस है, उनमें क्या होता था दोस्तों, या तो सॉफ्टवेयर भी सेम होने चाहिए थे या फिर हार्डवेयर भी सेम होने चाहिए थे। तो राउटर में ऐसा नहीं है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिफरेंट हो तब भी हम राउटर को कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। ये थे राउटर के कुछ मेन पॉइंट जो कि आप एग्जाम में लिख सकते हो बहुत ही अच्छे से, चाहे तो इनको नोट कर लेना वीडियो को रोक के। दोस्तों अभी हमने जाना राउटर डिवाइस के बारे में, अब मान लीजिए गेटवे डिवाइस के बारे में जान लें। तो दोस्तों गेटवे डिवाइस की कुछ ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, सेम यही प्रोसेस है जो कि राउटर डिवाइस की है। गेटवे का मीन्स है दोस्तों रास्ता, गेट का मीन्स रास्ता, इनकी वो भी रास्ता ही बताता है कि आपको डाटा किस रास्ते से अच्छे से पहुँचाएगा, वो भी दोस्तों पैकेट्स को आगे फॉरवर्ड करता दोस्तों। राउटर गेटवे डिवाइस क्या करता, सेवन लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल, इनकी सेवन के सेवन लेयर पे वर्क करता ओएसआई मॉडल के। ये तो थर्ड और फोर्थ पे कर रहा था, गेटवे क्या करता सेवन यानी कि 1 से 7 तक के लेयर पे सभी पे वर्क करता, जब ज़्यादातर दोस्तों एप्लीकेशन लेयर पे। दोस्तों गेटवे क्या करता, कुछ ज़्यादा लंबी प्रोसेस नहीं है, इन गेटवे का अगर आप यूज़ करते तो वो आपको मेन गेट पर ले जाता है, इंटरनेट से बाहर भी ले जा सकता है। जैसे कि हर एक सिटी का एक दायरा होता कि यहाँ से इस ये ख़त्म है और आगे को दूसरा सिटी है, तो इस तरह से मेन गेट पर भी राउटर गेटवे डिवाइस ले जाता। दोस्तों गेटवे का भी यूज़ हम कहाँ करते हैं, वैन और लैन की अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए हम गेटवे का यूज़ करते। तो दोस्तों कैन नॉट कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क इंटरनेटवर्किंग डिवाइस, गेटवे भी क्या दोस्तों इंटरनेटवर्किंग डिवाइस है। जिस तरह से हमने राउटर डिवाइस में पढ़ा सेम यही प्रोसेस है, लेकिन इससे अच्छी क्वालिटी का, देन हायर क्वालिटी देन द राउटर, राउटर से अच्छी क्वालिटी का है और 7 के 7 लेयर पे वर्क करता है। ये इसका थोड़ा सा एडवांटेज है कि राउटर डिवाइस से बेहतर है ये। और दोस्तों अगर बात करी जाए तो दोस्तों गेटवे डिवाइस बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं राउटर डिवाइस की अपेक्षा। अगर आप दोस्तों, हाँ एक मेन पॉइंट है, अगर आपसे पूछा जाए या फिर आप मान लीजिए दो डिवाइस हैं,
एक स्विच डिवाइस है, एक राउटर डिवाइस है। अगर आपसे पता करा जाए कि कौन सा राउटर डिवाइस और कौन सा स्विच डिवाइस या फिर कौन सा गेटवे डिवाइस है, तो क्या आप बता पाओगे? दोस्तों सिर्फ एक ही तरीका है उसको पहचान लेने का। दोस्तों स्विच डिवाइस में क्या होते हैं, पोर्ट काफ़ी सारा होते हैं, 48 पोर्ट तक के स्विच मार्केट में अवेलेबल हैं, और राउटर में क्या होते हैं, 8 पोर्ट तक के स्विच अवेलेबल है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि राउटर डिवाइस में बहुत कम पोर्ट होंगे 8 पोर्ट तक के, स्विच में 48 पोर्ट तक होते हैं जो इसमें कि हम कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे गेटवे डिवाइस, तो गेटवे डिवाइस में भी दोस्तों 2, 4, 6 या फिर 8 पोर्ट तक होते। स्पीड की बात करी जाए तो दोस्तों ये राउटर से भी अच्छी स्पीड देता है गेटवे डिवाइस, और इसके लिए भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिफरेंट हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये कनेक्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों सेम यही प्रोसेस है जो कि हमने राउटर में पढ़ा, बस थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि साथ के साथ लेयर पर वर्क करता OSI मॉडल के, और राउटर डिवाइस क्या कर रहा था, थर्ड और फोर्थ यानी कि नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर पर वर्क कर रहा था। तो दोस्तों अब अभी हमने जाना हब डिवाइस, रिपीटर डिवाइस, ब्रिज डिवाइस, स्विच डिवाइस और गेटवे डिवाइस, राउटर डिवाइस, इन सब के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया। अगर आपने इससे पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख लेना, बहुत ही अच्छे से समझ आएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि मोडम और NIC कार्ड क्या है, जो कि नेटवर्किंग डिवाइस है ये भी दोस्तों। तो दोस्तों मोडम की कुछ ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, जो कि हम इंटरनेट वाले चैनल लेक्चर में भी बहुत अच्छे से बता चुके हैं। मान लीजिए दो कंप्यूटर हैं, एक कंप्यूटर यहाँ पर है, एक कंप्यूटर यहाँ पर है। इन दोनों कंप्यूटर्स को आपने कनेक्ट किया हुआ है दोस्तों टेलीफोन लाइन के थ्रू। दोस्तों हम जब कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो टेलीफोन लाइन के थ्रू कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए हमें क्या करना होगा, मोडम डिवाइस का यूज़ करना होगा, जिसकी फुल फॉर्म है दोस्तों मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर से बना दोस्तों मॉड्यूलेशन, और मॉड्यूलेटर से बना दोस्तों डीमॉड्यूलेशन। तो दोस्तों मॉड्यूलेशन क्या करता, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता, और डीमॉड्यूलेशन एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता। जैसे कि मान लीजिए हमारा सिस्टम डिजिटल सिग्नल समझता और टेलीफोन लाइन में एनालॉग सिग्नल्स ट्रेवल होते, तो ऐसे में क्या हमारा सिस्टम एनालॉग सिग्नल्स को समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। तो इसके लिए हमें मॉडर्न डिवाइस का यूज़ करना होता, जो कि हम इंटरनेट के टॉपिक में बहुत ही अच्छे से डिटेल में बता चुके हैं। और अभी भी हमने आपको बताया कि मॉडर्न डिवाइस का यूज़ हम टेलीफोन लाइन में करते, सिग्नल्स जो ट्रेवल हो रहे होते दोस्तों उनको यानी कि कन्वर्ट करने के लिए, एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में। और NIC क्या होता है दोस्तों, NIC यानी कि नेटवर्क इंटरफेस, जो कि सभी कंप्यूटर सभी मोबाइल में आप लगाते हो, जो कि काफ़ी सारी कंपनियां जो कि ISP की सुविधा प्रोवाइड करती है, जैसे कि जियो, आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन, काफ़ी सारी हैं। तो उसको हम NIC कार्ड बोलते हैं, जो कि अलग से लगे होते दोस्तों कंप्यूटर में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर कीजिए चैनल को, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे।